भारतीय लष्करातील महत्त्वाची प्रशिक्षण संस्था असलेल्या येथील मेकॅनाइज रेजिमेंट सेंटरमधील 36 आठवड्यांच्या खडतर प्रशिक्षण पूर्ण करून शनिवारी 185 जवानांनी देशसेवेची शपथ घेतली. शपथग्रहण सोहळ्याच्या वेळी शानदार संचलन करून देशरक्षणाचा आणि त्यासाठी आपले सर्वस्व समर्पित करण्याचा संकल्प जवानांनी केला. याप्रसंगी प्रशिक्षणादरम्यान उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या जवानांच्या लष्करातील अधिकाऱ्यांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला. नगर सोलापूर रोडवरील MIRC येथील अखोरा ड्रिल मैदानावरील शनिवारी सकाळी जवानांनी शानदार शपथग्रहण सोहळा झाला. लष्कराच्या बँड पथकाने सादर केलेल्या धुनवर MIRC 36 आठवड्यांचे खडतर प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या 183 जवानांच्या तब्बल 6 तुकड्या संचलनासाठी मैदानावर आल्या होत्या. या सर्वांनी पहिली सलामी कर्नल विनायक शर्मा यांना, दुसरी सलामी कर्नल रेसल डिसुजा यांना, तर तिसरी सलामी ब्रिगेडियर VS राणा यांना दिली. लेफ्टनंट जनरल इकरूपसिंह घुमन यांनी संचलनाची मुख्य सलामी स्वीकारली आणि संचलनाची पाहणी केली. त्यानंतर MIRC संस्थेने लष्करासाठी दिलेल्या उत्कृष्ट योगदानाबद्दल त्यांना प्रदान करण्यात आलेले निशान ध्वज देण्यात आले आणि सर्वांनी उभे राहून या ध्वजाला सलामी दिली. धर्मगुरूंनी जवानांना कर्तव्यासाठी निष्ठा आणि समर्पणाची शपथ दिली. त्यानंतर सर्वात पुढे प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या जवानांच्या 3 तुकड्या, त्याच्या मागे MIRC निशान आणि बँड पथक आणि सर्वात शेवटी प्रशिक्षण पूर्ण केलेल्या जवानांच्या उर्वरित 3 तुकड्या अशा क्रमाने संचलन झाले. बहुत ही आला दर्जे की शानदार परेड के लिए मुबारकबाद देता हूँ. आपका करनाल और ड्रिल अव्वल दर्जे का है. मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमेशा ऐसा स्तर बनाए रहें. साथ ही साथ मैं सभी अधिकारीगण, कमांडर साहब, डिप्टी कमांडर साहब, बाकी सभी ऑफिसर, जीते सहवान और NCOs को जिन्होंने इस परेड को ये जामा पहनाया है, एक बात बहुत बधाई देगा. जिन्होंने आपको ट्रेनिंग देकर एक आम नागरिक से एक जिम्मेदार सैनिक बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाई. इस शुभ अवसर पर मैं आपके माता पिता और आपके पूरे परिवार को बधाई देता हूँ, जिन्होंने अपने स्कूल को देश की सेवा में समर्पित किया, जिससे हमें सभी को और पूरे देश को बहुत गर्व. मैकनाइज इन्फेंट्री रेजिमेंट ने पहला चरण और बुनियादी प्रशिक्षण सफलतापूर्वक हासिल करने पर मैं आप सभी को मुबारकबाद देता हूँ. आज आपने अपने सैनिक जीवन का पहला पड़ाव पास किया. याद रखें, यह पहला पड़ाव अभी आपने बहुत कुछ हासिल करना है. बहुत एक अच्छे सैनिक के गुण आपको हमेशा याद रखने चाहिए, जिनमें कृत्य शारीरिक एवं आंतरिक शक्ति, उत्साह एवं जोश, ईमानदारी एवं वफादारी, स्वयं का सत्य
एकता और सकारात्मक सोच जिसको पॉजिटिव थिंकिंग बोलते हैं बहुत ही जरूरी है। प्रत्येक सैनिक अपनी बटालियन रेजिमेंट और सेना के लिए गर्व होता है। आपने एवं पल्टन के नाम नमक और लेखान को हमेशा ऊंचा रखना है। याद रखें वर्दी एक सैनिक का धर्म यह हमेशा व्यक्तिगत धर्म से पहले आता है। मैकनेज इन्फेंट्री का स्नेह और गौरवपूर्ण इतिहास है जो कि आपको हमेशा प्रेरित करता रहेगा। मैकनेज इन्फेंट्री रेजिमेंट का नारा वीरता और विश्वास इस सैनिक को दो विशेषताओं को दिखाता है। वीर दशक सिपाही के सच्चे मनोबल आत्मसम्मान न्याय भावना और दृढ़ निश्चय के गुण दिखाता है। विश्वास के अंतर्गत अपने आप पर अपने हथियार साजो सामान अपने साथियों पर भरोसा और अपने कमांडर के नेतृत्व क्षमता पर तथा देश के नीति और न्यायपूर्ण विचारों पर पूरा विश्वास मिला है। आपने अपनी ट्रेनिंग के दौरान जिस जोश उत्साह और लगन का परिचय दिया है वो काबिले तारीफ है। अब इसके बाद तकनीकी प्रशिक्षण हासिल करेंगे और एक मैकनेज इन्फेंट्री सैनिक के तौर पर अपनी अपनी बटालियन निशान होंगे। आप जिस भी जन से जाएंगे उसकी इज्जत और गौरव आपके कार्यों पर निर्भर करें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपना और अपने यूनिट का नाम हमेशा ऊंचा रखेंगे, चाहे वो खेल का मैदान हो या ट्रेनिंग या फिर मैदानी जंग। हमारी सेना देश के प्रति आस्था और निष्ठा का प्रतीक है। आज के बदलते माहौल में न केवल बाहरी कारकों से आपको देश की रक्षा करनी है बल्कि अंदरूनी और अंदावती कारकों से भी देश की एकता और अखंडता को जागृत रखना। आखिर में मैं एक बार फिर से आपको और आपके परिवारों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। परमात्मा आपको हमेशा खुशहाल रखे और खुश रखे। जय हिंद। या संचलनाने उपस्थितांची मने जिंकली। लेफ्टनंट जनरल इकरूप सिंह घुमन यांनी 36 आठवड्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण करून सैन्यात दाखल होण्यासाठी सज्ज झालेल्या जवानांचे अभिनंदन करतानाच त्यांना शुभेच्छा दिल्या। प्रशिक्षण काळात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या रिक्रूट मारुत मिश्रा याला जनरल सुंदर जी गोल्ड मेडल, रिक्रूट पेंड्रेला राजू याला जनरल KL डिसुजा सिल्वर मेडल आणि रिक्रूट रोहित कुमार याला जनरल पंकज जोशी कांस्य पदक देऊन सन्मानित करण्यात आले। रिक्रूट दिलप्रीत सिंह हा बेस्ट ड्रिल कॅडेट ठरल्यामुळे त्याचाही यावेळी गौरव करण्यात आला। प्रतिनिधी वैभव घोडके, ब्युरो रिपोर्ट, नगर।